जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के जो फॉर्म भरने थे भर चुके हैं और आपके अभी एग्जाम की तैयारी बच्चे जबरदस्त लगे हुए हैं। एग्जाम की जो डेट है आपकी वो नजदीक आने वाली है। 9,360 पदों पे टोटल भर्ती थी और मतलब लाखों की संख्या में इसके अंदर फॉर्म भरे गए हैं, तो ये मान के चलो कि कंपटीशन बेहतरीन रहने वाला है। अब जैसे जैसे आपकी एग्जाम की जो डेट नजदीक आ रही है, तो बहुत सारे मतलब बच्चे भी कमेंट करे कि सर इस बार कट ऑफ क्या जा सकती है। कोई कुक के संबंध में कमेंट कर रहा है, कोई सफाई कर्मचारी का कर रहा है, कोई बिगुल का कर रहा है, कोई ड्राइवर ट्रेड से कर रहा है। और इसके संबंध में यूट्यूब के ऊपर भी बहुत सारे वीडियोज बन चुके हैं कि सर इसके अंदर टोटल कट ऑफ कितनी जा सकती है, कितने बच्चे पास होंगे, पढ़ने के लिए क्या तैयारी करें। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लेना। इसके अलावा अगर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, सीआरपीएफ के अंदर अगर आपने किसी भी ट्रेड से फॉर्म भर रखा है, कुक है, वाटर कैरियर है, सफाई कर्मचारी है, चाहे आप ड्राइवर से भर रखा है, फिर आप जो पायनियर ब्रांच वगैरह के फॉर्म थे, या फिर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के दफ्तरी पियोन फराज सफाई कर्मचारी, यानी कि किसी भी ट्रेड से आपको भर रखा है, तो सबसे पहले तो जो फॉर्मूला है कि आपके जैसे 8 गुना बच्चे पास होंगे, जिसके अंदर लगभग आपकी 9,360 वैकेंसी है, तो लगभग 75,000 के आसपास बच्चे आपके इसके अंदर एग्जाम में पास होने वाले हैं। अभी सबसे मेन जो वो आता है कि कट ऑफ का, कि सर कट ऑफ कितनी जाएगी। अभी कुछ मैं एक यूट्यूब पे एक दो वीडियो मेरे पास भी, जैसे टेलीग्राम पे एक दो बच्चे ने भेजा कि सर कोई 80+ बता रहा है, एक यूट्यूबर तो ऐसे बोल रहा है कि बोला एसएससी जीडी के बच्चों ने फॉर्म ज्यादा अप्लाई कर रखा, तो जो ट्रेड की जो तैयारी कर उनका तो नंबर ही नहीं आएगा, एसएससी जीडी वाले पास हो जाएंगे। तो मतलब इस चक्कर में कुछ बच्चे क्या डीमोटिवेट भी हो जाते हैं। देखो, सब तो नहीं होते हैं जिन बच्चों की तैयारी अच्छी है, लेकिन कुछ बच्चे जैसे मीडियम होते हैं, ना उनकी तैयारी अच्छी होती है ना उनकी खराब होती है, तो उनको थोड़ा सा एक डीमोटिवेट हो जाते हैं कि सर कि हम लोग इसके अंदर अगर इतनी हाई कट ऑफ हो जाती है 80, 85, 90 बोल रहे हैं, तो इसके अंदर तो हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो वो थोड़ा सा क्या है, तैयारी उनका थोड़ा सा ध्यान भटक जाता, नहीं हम इसको छोड़ देते हैं, हम दूसरी की तैयारी कर लेते हैं, इसके अंदर तो इतना ज्यादा कंपटीशन है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि सीआरपीएफ का जो सिलेबस होता था पहले, जब आपका इसके अंदर किसी भी ट्रेड का रिटर्न एग्जाम होता था, तो 50 नंबर का आपका नॉर्मल क्वेश्चन पेपर होता था, जिसके अंदर आपका जो अभी ये 100 नंबर का जो आपका दे रखा है, सेम यही सिलेबस होता था और इसके अंदर 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता था। बाकी जो 50 नंबर का होता था वो होता था आपका ट्रेड टेस्ट का। तो इसके संबंध में आपको पहले से जानकारी होगी, नहीं जानकारी तो मैं आपको अगली बार इस वीडियो में आपको पता चल गया। अभी की बार क्या है कि सीआरपीएफ ने अपना सिलेबस चेंज किया है, तो सिलेबस चेंज करके जो ट्रेड के जो क्वेश्चन थे 50 क्वेश्चन वो हटा दिए हैं, और आपका जो ये रिटर्न एग्जाम जो होता था जो टोटल 50 नंबर वाला, इसको डबल कर दिया है, यानी कि ये 100 नंबर का होगा। तो आपके जो ट्रेड के क्वेश्चन थे वो हटा दिए, तो सिलेबस भी ये मान के चलो कि जो आपका एक अलग से चेंज हो गया, जो 2016-17 में जो वैकेंसी आई थी उससे अलग वैकेंसी हो गई, और आपका जो पहले ऑफलाइन एग्जाम होता था, लेकिन इस बार जो आपका सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम इस बार होने वाला है। तो आप जो पिछले साल के जो आंकड़े थे और इस साल के जो आंकड़े हैं, जो मतलब जो लास्ट वैकेंसी के आंकड़े थे, इस जो अभी जो 2022-23 की वैकेंसी है, इसके जो आंकड़े हैं, इन आंकड़ों से आप उसको मैच नहीं कर सकते। जो पिछले साल की कट ऑफ गई थी उतनी कट ऑफ अब की बार चली जाएगी। दूसरी बात ये भी है कि पहले जो वैकेंसी आई थी संख्या कम थी, इस बार जो वैकेंसी की संख्या है वो ज्यादा है, और इसके अंदर जो जितने ज्यादा फॉर्म अप्लाई हुए हैं, शायद ही किसी पोस्ट के अंदर इतने अप्लाई होते होंगे, लेकिन सीआरपीएफ के अंदर ट्रेड्समैन की ज्यादा वैकेंसी होने से फॉर्म भी ज्यादा अप्लाई है, साथ में इसमें एज रिलैक्सेशन मिला है। बाकी जो ट्रेड जितनी भी फोर्स की ट्रेड है उसके अंदर इतनी एज रिलैक्सेशन नहीं मिली थी जितनी सीआरपीएफ ट्रेड वालों को एज रिलैक्सेशन मिला है। तो आप जो पीछे के आंकड़ों को छोड़ के, साथ ही जो यूट्यूब के ऊपर भी जो आपको आंकड़े बताए जा रहे हैं कि 80-90 जाएगी और जो एसएससी जीडी वाले हैं वही पास हो पाएंगे, आप लोग पास नहीं हो पाएंगे, तो आपको इन चीजों से घबराना नहीं। अगर आप किसी भी मतलब आप मतलब की तैयारी कर रहे हैं किसी भी मतलब प्रकार से, आप ऑनलाइन कर रहे हैं या फिर आपने किसी बुक से कर रहे हैं या कोई किसी प्रकार की कोचिंग कर रहे हैं, किसी भी प्रकार से कर रहे, प्रैक्टिस सेट वगैरह आप लगा रहे हैं और आपका मतलब 60-70 तक भी नंबर पहुंच रहा है, तो आप ये मान के चलो कि आप अच्छे नंबर आपके आ रहे हैं, 60 से ऊपर आ रहे हैं, अभी आपके पास टाइम भी है। अगर अभी भी आपके पास 60 से प्लस अगर आपका नंबर प्रैक्टिस सेट वगैरह बन रहे हैं, तो अभी आगे आने के बाद में अभी आपके पास जो टाइम बचा उसमें आपकी और अच्छी तैयारी होगी और आपके अच्छे नंबर बन जाएंगे। और इसके अलावा अगर हम बात करें सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की भर्ती की बेस्ट बुक की, तो ये जो बेस्ट बुक है कांस्टेबल सीआरपीएफ की ट्रेडमैन की भर्ती के लिए, तो ये जो बुक आपके लिए आती है चाक्सु पब्लिकेशन की, जिसे आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आप इसको परचेज कर सकते हैं। ये बुक जो है आपको इंग्लिश और हिंदी माध्यम दोनों में मिल सकती है। आप सीआरपीएफ के अंदर किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो सभी ट्रेड के लिए आपके लिए बुक है, ये बेहतरीन बुक साबित हो सकती है, आप इस बुक को खरीद सकते हैं।
जो वीडियो का आप देख लेंगे 80+ होगा, 85+ होगा, 90+ होगा, तो हम लोगों का नहीं हो पाएगा जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एसएससी जीडी की प्रोसेस कंप्लीट होगी नहीं, तो वो लोग भी एग्जाम तो देंगे। कोई भी होगा भी, आपने अगर फॉर्म अप्लाई किया है तो आप एग्जाम देने तो जाएंगे, तो वो एग्जाम देंगे तो सिर्फ वही पास हो जाएंगे, हम लोग नहीं हो पाएंगे। ऐसा बिल्कुल दिमाग में नहीं लगाना, क्योंकि जो एसएससी जीडी से जो फॉर्म अप्लाई किए हैं वो रिटर्न, मतलब अपना रिटर्न एग्जाम देने के लिए जाएंगे, वो कोई स्पेशल कोई दूसरे घर से आए हुए नहीं है, वो भी आपके भाई बंधु हैं, आपके साथ वाले पढ़ने वाले हैं, और वो भी किसी भी न किसी नौकरी की तलाश में है, तो सब आपके साथ तैयारी करते होंगे, कोई कोचिंग कर रहा है, कोई ऑनलाइन कर रहा है, कोई ऑफलाइन कर रहा है, किसी भी प्रकार से तैयारी कर रहे हैं। तो आपको ये बिल्कुल दिमाग में नहीं लेना है कि अगर आप ये मान के चलो अगर आप जो 75,000 बच्चे जो पास होने हैं इसके अंदर भी अगर आप आ जाते हैं तो आपके लिए बेस्ट होगा। हो सकता है कि कुछ बच्चे जो एसएससी जीडी वगैरह ये किसी भी एग्जाम की अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो उनको बाद में ये होगा कि अगर वो सिर्फ रिटर्न के फोकस रहेगा, क्योंकि एसएससी जीडी वाले रिटर्न पे फिजिकल पे फोकस है, ट्रेड पे फोकस नहीं होगा उनका, और जो स्पेशल ट्रेड की तैयारी कर रहा है उसका फोकस सिर्फ ट्रेड पे ही होगा, तो ट्रेड पे फोकस होगा तो फिर बाद में वो लोग अगर रिटर्न में अच्छे नंबर लेके आगे फिजिकल भी पास कर दिया, अब ट्रेड पास नहीं किया तो फिर वो जो आपके 90 आए थे 95 आए थे वो 100 में से 100 ले गए थे, क्या फायदा हुआ। तो ये चीजें भी मायने रखेंगी, आपको ये घबराना नहीं है कि भाई वो तो 90 नंबर लेके आ गया, मेरा 70 नंबर आया तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, या कोई यूट्यूबर जो बता दिया मैं ही आपको बता दूं भाई 90 नंबर वाले का सिलेक्शन होगा, 85 वाले का सिलेक्शन होगा, अभी कोई कट ऑफ का कोई आंकड़ा ऐसे कोई तुक्के मारने की बात नहीं होती है। एसएससी जीडी के अंदर भी बहुत बड़े बड़े यूट्यूब चैनल जो चलाते हैं जिनके लाखों लाखों बच्चे जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने जो कट ऑफ बताई थी सब मतलब एग्जाम देने के बाद की भी किसी की भी मतलब एक प्रकार से मैं बोल दूं कि किसी की भी कट ऑफ जो बताई थी वो क्लियर नहीं हो पाई कि भाई ये कट ऑफ जाएगी, और अभी तो आपका एग्जाम हुआ ही नहीं है, अब पहली बार आपका सीबीटी बेस्ड एग्जाम हो रहा, तो इसको कट ऑफ का आप क्या आंकड़े बता सकते हो। ये मान सकते थे अगर पिछले बार भी अगर सीबीटी बेस्ड एग्जाम होता यही सेम सिलेबस होता तो जो आंकड़े बता रहे हैं वो हम भी मान लेते कि ये आंकड़े सब सही होंगे, लेकिन अभी जो आपका सीबीटी बेस्ड एग्जाम हो गए पहली बार सीआरपीएफ के अंदर ट्रेड्समैन का हो रहा है, इससे पहले आपका ऑफलाइन होता था 50 नंबर के आपके ट्रेड के क्वेश्चन आते थे, तो ट्रेड के क्वेश्चन भी आपके मेरिट में जुड़ते थे, उस हिसाब से आपके मेरिट बनती थी, लेकिन इस बार जो आपकी है सिर्फ सीबीटी बेस्ड के ऊपर ही आपकी मेरिट बनेगी, यानी कि आपके रिटर्न एग्जाम के मार्क्स जुड़ेंगे, ट्रेड के आपके मार्क्स जुड़ने नहीं वाले हैं। तो अभी से मतलब अगर उसके आंकड़े बता दें कि भाई आपकी कट ऑफ इतनी जाएगी इतनी तैयारी होगी तो ये सब कुछ नहीं है, क्योंकि जब तक आपका एग्जाम ही नहीं हुआ है किस प्रकार का आपका एग्जाम सिंपल आएगा, हार्ड आएगा, मीडियम आएगा, किस टाइप का एग्जाम होगा, तभी तो इसके कुछ क्लियर हो पाएगा कि भैया कट ऑफ बनेगी, और पीछे वाले आंकड़ों के हिसाब से बनाने से मेरिट नहीं बनेगी, क्योंकि पीछे का सिलेबस और जो पीछे का एग्जाम पैटर्न था वो अलग था, इस बार जो आपका एग्जाम हो रहा है ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप से आपका एग्जाम हो रहा है, जो आपकी प्रोसेस है उससे बिल्कुल डिफरेंट हो गई है, क्योंकि सीबीटी बेस्ड में और ऑफलाइन एग्जाम में दिन रात का फर्क होता है, साथ ही ट्रेड के क्वेश्चन में और जो ये नॉर्मल सिलेबस जो है आपका इंग्लिश हिंदी मैथ रीजनिंग का जो सिलेबस जो आपका बन रहा है इसमें और जो ट्रेड के क्वेश्चन में भी दिन रात का फर्क होता है, जो ट्रेड के क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकते हैं, लेकिन इसमें जो बच्चा अदर एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो भी इसके अंदर अच्छे मार्क्स ला सकता है 100 में से। तो आपको अपनी तैयारी पे फोकस रखे, जो इतना टाइम बचा जितनी आप मेहनत कर सकते हैं करें, बाद में फिर देखो आपके हाथ में नहीं है एग्जाम का क्या पैटर्न आएगा, लेकिन आपको सिलेबस आपको पता है कि ये मेरा सिलेबस आएगा, तो अभी ज्यादा वीडियो के ऊपर फोकस नहीं करना कि कट ऑफ की वीडियो देख रहे हैं, मेरे पास भी कट ऑफ के कमेंट आ रहे हैं, कट ऑफ के लोगों के जो मैं देख रहा हूँ वीडियो पे तो लाखों लाखों व्यूज आ रहे हैं, बहुत लोग देख रहे हैं, नहीं इसका मतलब कट ऑफ की वीडियो को लोग ज्यादा लाइक कर रहे हैं, तो उनको कट ऑफ के पीछे फिर आप अपना जो पढ़ाई के ऊपर जो ध्यान है ना वो आपका ध्यान भटक जाएगा, तो ध्यान भटकने से फिर आपका पढ़ाई पे फर्क पड़ेगा, जितना टाइम आप पढ़े और अगर आपके प्रैक्टिस सेट में मतलब 50, 60, 70 जितने भी नंबर आ रहे हैं उतने प्रैक्टिस करते रहो आपका जितने आपका एग्जाम डेट जैसे नजदीक आएगी तो आपके अच्छे नंबर आएंगे, और मैं मानना हूं कि जिन बच्चों ने तैयारी करी है वो रियल में पास होंगे, और आप ये मान के चले कि जब आप 8 गुना वैकेंसी अगर पास करते हैं, जब 8 गुना बच्चे पास होंगे उसके अंदर आप आ जाते हैं, उसके बाद में जो बच्चे सिर्फ एसएससी जीडी के थे जिनके रिटर्न में अच्छे नंबर आए हैं ट्रेड में वो खुश हो जाएंगे, क्योंकि उनका फोकस सिर्फ एसएससी जीडी है, ट्रेड का फोकस नहीं है, जो बच्चे स्पेशल ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं अगर आप पास हो जाते हैं इसके अंदर तो फिर आपको ट्रेड की तैयारी, क्योंकि आपको ऑलरेडी पहले से तैयारी ट्रेड की तैयारी कर तभी आपने ट्रेड में आपकी इच्छा है कि मैं ट्रेड में भर्ती होना है, तो आप कट ऑफ पे ध्यान न दें, और अगर आपके जितने भी प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं या किसी प्रकार से तैयारी करें अपनी तैयारी को दिन प्रतिदिन और बढ़ाएं, ताकि आप इसके अंदर जब आपके साथ में जो दूसरे बच्चे हैं जो बच्चे एसएससी जीडी के किसी भी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बीएसएफ ट्रेड्समैन किसी भी ट्रेड की, तो अगर आपके साथ में बैठेंगे तो आप उनके साथ में कंपटीशन फाइट कर सके। दोस्तों आज की वीडियो में बस यही जानकारी थी, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर करना। जय।